पाकिस्तान से हर साल हजारों बच्चे यूरोप जाते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। वो जब यूरोप जाने का सोच रहे होते हैं उनकी लिस्ट पे दो ही कंट्रीज टॉप पे होते हैं, नंबर वन इटली, नंबर टू जर्मनी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 2025 में अगर आप यूरोप जाने का सोच रहे हैं तो क्या आपको इन दो कंट्रीज को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को टू द पॉइंट एंड रियलिटी के नज़दीक रखूं ताकि आपके लिए पिक्चर क्लियर हो सके एंड आप उसके बाद ये डिसाइड कीजिएगा कि क्या इन कंट्रीज को आपने स्टिल टारगेट करना है या नहीं करना। बहुत ही टू द पॉइंट वीडियो होगी, मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको ये बताना है कि क्या 2025 में अगर आप यूरोप जाने का सोच रहे हैं तो क्या इटली एंड जर्मनी आपकी लिस्ट पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, एंड ये दो कंट्रीज आपकी लिस्ट पे नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इटली को देख लेते हैं। इटली का सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि दो साल तीन साल से पिछले इसका कॉन्टीन्यूसली अपॉइंटमेंट्स का इशू चल रहा है। यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हजरात हैं वो बल्क में अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते हैं एंड अपॉइंटमेंट्स हर थोड़े अरसे बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए ओपन हो रही है। जो कंसल्टेंट्स हैं उनके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे वो इंसानी स्पीड से ज़्यादा जल्दी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिल। अब यहाँ पे आई एम श्योर आपका एक क्वेश्चन होगा कि वो कंसल्टेंट्स जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स बुक किए वो उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो वो उसका यूज़ ऐसे करते हैं कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं एंड आप अपॉइंटमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कंसल्टेंट आपसे एक ऐसी अपॉइंटमेंट जिसकी कॉस्ट हार्डली 40-50 हज़ार रुपये थी उसके लिए आपसे 10-15 लाख रुपया इवन 20 लाख रुपये तक चार्ज कर लेते हैं एंड उसके बाद वो एम्बेसी को एक ईमेल करते हैं कि हमने ये अपॉइंटमेंट बुक की थी, बट इस अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हुए मैंने अपनी क्रेडेंशियल्स गलत एंटर कर दी थी एंड दीज आर माय राइट क्रेडेंशियल्स। वो क्रेडेंशियल उस स्पेसिफिक कैंडिडेट की होती है जिसने उनको पैसे दिए होते हैं, तो आप काइंडली इसको अपडेट कर दें एंड उसके बाद वो अपॉइंटमेंट आपको एक बहुत लो कॉस्ट जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है वो अपॉइंटमेंट आपको लाखों में मिलती है। तो ये सिनेरियो कर रहे हैं ये एजेंट माफिया। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट यू कि 2025 में आप इटली से बचें। नो मैटर, ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छे पर्क्स ऑफर कर रही है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का बहुत बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही, आपका विद टाइम एडमिशन एक्सपायर हो जाना है, आपकी स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जानी है, बट आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी। सो इन 2025 इटली आपकी लिस्ट पे नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू सेकंड कंट्री, जर्मनी। जर्मनी में एज सच कंसल्टेंट्स तो कोई रोल नहीं प्ले कर रहे, मतलब उनकी वजह से अपॉइंटमेंट डिलेज नहीं हो रहे। यहाँ पे मसला ये है कि अपॉइंटमेंट्स साल में दो मरतबा ओपन होती है एंड जैसी ही वो ओपन होती हैं फौरन से अगर आप एक दो मिनट के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं बुक करते तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी, आपका केस डिले में चला जाएगा। तो उसके लिए आपको उस टाइम अवेलेबल होना पड़ता है, जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हुई आपने अपनी क्रेडेंशियल्स एंटर करनी है एंड अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है एंड ये आपने मेक श्योर करना है कि एक दो मिनट के अंदर ही आप वो सारी चीज़ें पूरी करें। मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो कि 10 मिनट में 5 मिनट में अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टिल उनको अपॉइंटमेंट की कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल पाती। सो ऐसे कंट्री को टारगेट ही क्यों करना है जिसमें अगर आप एक दो मिनट के अंदर नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी। मतलब इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है, आपका टाइम इन्वॉल्व होता है एंड टाइम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसी कंट्री पे अपना टाइम ना ज़ाया करें। ऑल दो यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, आपको एज सच कोई और मसले मसाइल इस मुल्क में नहीं देखने को मिलते, एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है यूरोप में, बट इनका अपॉइंटमेंट्स का ये सिनेरियो चल रहा है कि अगर आप पहले एक दो मिनट में नहीं बुक कराएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। सो मेरा ये ख्याल है कि 2025 में जर्मनी भी आपकी लिस्ट पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ अमेजिंग कंट्रीज हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस की जगह पे एंड उन कंट्रीज में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नदरलैंड, बेल्जियम, ये सारे ऑप्शंस हैं।
लेटविया, लिथुआनिया, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। इन सारी कंट्रीज के हवाले से मैं अपने चैनल पर वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं, मैं उन सारों के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो जिस भी कंट्री में आपका इंटरेस्ट बनता है, आपका माइंड बनता है, आप उस कंट्री की वीडियो देखें एंड अकॉर्डिंगली खुद प्रोसेस करें, अपना केस खुद फाइल करें, कंसल्टेंट्स पे ना रिलाई करें। सो ये एक छोटी सी अपडेट थी अबाउट जर्मनी एंड इटली। ये मैंने इस वजह से दोबारा बनाना ज़रूरी समझा बिकॉज अभी एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इन दोनों कंट्रीज़ में अपने केसेस फंसा बैठेंगे एंड एज अ रिजल्ट उनका टाइम ज़ाया होगा एंड उनको कुछ हासिल नहीं होगा। सो ये मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए जो कि 2025 में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो आपने वाइसली डिसाइड करना है कि आपको आइदर इटली एंड जर्मनी के उन डिलेज वाला रिस्क कबूल है या आपको ऐसी कंट्रीज में अप्लाई करना है जिसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं है। तो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे जरूर शेयर करें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यस आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।